आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि सुंदर से शाम के लिए और रात्रि के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो आज आपने हमें जीवन दिया और सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज इतने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना में उपस्थित हो रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष देने वाले खुदा आप हैं। इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आपने अपने बच्चों को सुरक्षित रखा और सही टाइम पर वो पिता परमेश्वर आपसे दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों के जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसे पूरा करें। यदि आज आपका विश्वास कमज़ोर है तो आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी, अनेक प्रकार की दिक्कतें आएंगी, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया, क्या है? अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके जीवन में आपको चमत्कार चाहिए, आपको आशीष चाहिए, आपको बरकत चाहिए, आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी अच्छी मन भरी जो स्वास्थ्य अनेक प्रकार की जो ताकत है, जो आपके बच्चे स्ट्रोंग हो गए जिस बात को लेकर के, वो आपको अंदर होना चाहिए विश्वास। हालेलुया। तो मेरे प्यों, हमें इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं घबराना और कभी भी चिंतित नहीं होना है कि क्या मेरे बच्चे आज जो अच्छे नहीं हैं वो क्या कभी सही नहीं होंगे। परमेश्वर उन्हें रास्ता देगा, उन्हें मार्ग देगा, उन्हें बताएगा कि आपके बच्चे क्या करेंगे। आपके बच्चों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हम सभी माता पिता भाई बहन अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज इतने रोगी हैं, इतने बीमार हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं में पड़े हैं, घर की समस्याओं को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। तो इस बात को लेकर के आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है और बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। यदि आज आप परमेश्वर को आप पुकारते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यदि आज आप परमेश्वर से मांगते हैं कि मेरे बेटे के जीवन में ये चीज़ अच्छा हो जाए पिता, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप जब हाथों को, अपने घुटने को टेक करके, अपने हाथों को फैला करके जब आप दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर यदि हम परमेश्वर के प्रति अपना बीज बोते हैं उसमें जरूर फल आएंगे, शैतान के प्रति नहीं, परमेश्वर के प्रति हम अपना बीज बोते हैं। जैसे एक किसान होता है, अपने खेतों में अच्छे से उसकी देखभाल करता है और उसमें बीज डालता है तो आगे चल करके उससे बहुत सारे फल आते। एक बीज होता है, वो विश्वास करता है कि इस एक बीज की वजह से इसमें हजारों फल आएंगे। तो वैसे आपके जीवन में है, वैसे यदि आज आप परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं तो आपके जीवन में जो एक बीज छोटा से आपने विश्वास का बोया है वो एक दिन बहुत बड़ा पहाड़ बनेगा और उसमें अनेक प्रकार के फल होंगे, अनेक प्रकार की आपके जीवन में ताकत आएगी, ऊर्जा आएगी। क्योंकि आप जो माता पिता हैं, आप क्या हैं? अपने बच्चों के लिए एक बीज हैं। क्योंकि आपके बच्चे जब आगे बढ़ेंगे और अपने शरीर के द्वारा, अपने मानसिक के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा, अपने हर एक चीज़ के द्वारा, अपने बिजनेस में, अपने कामों में जब आगे बढ़ेंगे तो आप वो एक विश्वास के बीज होंगे। जब आपके अंदर इतना विश्वास होगा तो आपके अंदर अनेक प्रकार के फल लगेंगे और उसमें बहुत सारे फल लगेंगे और बहुत सारी डालियाँ होंगी, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है जिस तरीके से बीज बोने वाले का दृष्टांत, ये बात आप जानते होंगे। बाइबल में आपने पढ़ा होगा लूका पुस्तक में अध्याय जिस तरीके से 7 में लिखा है, वहाँ पे परमेश्वर वचन क्या कहता है, अध्याय 7 और वचन नंबर 4 में लिखा है, 8 में जब हम देखते हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें समझाया था, और इसे मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं और मरकुस में पढ़ सकते हैं और लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया था, जब बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है नगर में तो लोग उसके पास चले आते हैं, तो उसने दृष्टांत में कहा, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि एक बीज जो छोटा से होता है, मान लीजिए एक राई के दाने का ही आप देखिए, इतना छोटा सा होता है कि आप उसे अपने उंगलियों से, अपने हाथों से अच्छे से नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन जब वही बीज अच्छे जगह, अच्छे स्थान पर बोया जाता है, अच्छी मिट्टी में बोया जाता है, अच्छे से उसे देखभाल किया जाता है, टाइम टू टाइम पानी डाला जाता है, तो एक दिन वो ऐसा फल, ऐसा पेड़ बनता है कि उसमें लाखों फल लगे होते हैं, हजारों फल लगे होते हैं। क्या आप जो सरसों का, राई का जो पेड़ होता है, क्या उस दाने को आप गिन सकते हैं? या फिर गेहूं का जो पेड़ होता है, क्या उसमें आप दाने गिन सकते हैं? अनेकों दाने होते हैं उसमें। हालेलुया। तो ये चीज़ आज हमारे अंदर विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमें समझाया और कहा, एक बोने वाला बीज निकला, बोते हुए कुछ मार के किनारे गिरा दिया और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुन लिया,
कुछ चट्टान पे गिराया गया और उस उपज न पाया और जिस तरीके से उसके अंदर तरी ना रही, जिस तरीके से पानी न मिलने से वो सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच गिरा और झाड़ियों ने उसे साथ साथ बढ़ करके दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उग करके 100 गुना वो फल लाया। यह कह करके उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहता है? यदि आज हमारे अच्छे विचार, अच्छे मन यदि परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं तो मेरे भी इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर हमें ब्लेसिंग ही देना चाहता है, हमें आशीष ही देना चाहता है, हमें बरकत ही देना चाहता है। यदि आज हमारा विश्वास गलत तरीके से हो गया, या फिर आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां कहीं गलत कोई काम करते हैं, उसमें कभी भी फल नहीं आएंगे, कभी भी आशीष नहीं आएगी। हो सकता है उस समय के लिए आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आपके जीवन में कभी फल नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें समझाता है। ये परमेश्वर केवल विश्वास के लिए नहीं कहता है, ये हमारे चरित्र को दर्शाता है, ये हमारे जीवन को दर्शाता है कि किस डायरेक्शन में, किस दिशा में आपको चलना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आगे ही कहा है कि जो अच्छे फल जो गिरे जमीन में, जो अच्छी जमीन पे गिरे, उसमें 100 गुना फल आया। तो आज आपके बच्चे जो हैं या नहीं हैं, जो आने वाले हैं या होने वाले हैं, उनको अच्छे फल, अच्छे बीज की तरह इस्तेमाल करें और अच्छी भूमि पर रखें, ताकि वो अच्छे आगे चल करके बढ़े और फलें और अनेक प्रकार के फल आएं, और परमेश्वर का वचन कहता है उसमें 100 गुना फल आए। हालेलुया। तो आज हमारा विश्वास इतना जरूर होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज अपने मन को धैर्य और विश्वास और साथ के साथ रखना, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष दे सके। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें विश्वास करते हैं, पिता परमेश्वर, आज उनके बच्चों के जो फल हैं, जो आशीष हैं, जो उनके बेटे और बेटियां हैं, आपने जो उन्हें फल दिया है, उसमें ढेर सारी बरकत आने पाए और अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके बिजनेस से, उनके कामों से, पिता परमेश्वर, इसी वक्त उनके जीवन से निकले, यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपसे विनती और दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख, यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 सत्कलम, यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज
जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से, आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी हों पिता परमेश्वर आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वो जाएं आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशी आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या खत्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसियों ने इनके प्रति कराया यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए हैं कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पियेंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं, तो पिता आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान, हताश, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं हम सभी मसीह भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर। और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से निराश, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश, से निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, जो आँखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम, जो पितावर, जो इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर ही नहीं, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते यीशु मसीह के नाम से, हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधे से, इनके बिजनेस से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से विदा परमेश्वर, आमीन।